मॉर्निंग स्टूडेंट्स आई एम आर एस जंगीर वेलकम टू माई चैनल त्रिवेणी स्टडी सर्किल जयपुर टुडे एम गोइंग टू टीच यू द बिजनेस लेटर थर्ड टाइप ऑफ बिजनेस लेटर रिप्लाइंग एन ऑर्डर हम मेरे पिछले जो दो बिजनेस लेटर्स दो टाइप आपने बताए हैं मेरे पिछले वीडियो में मैंने बताए हैं आज मैं बात कर रहा हूँ तीसरे प्रकार के बिजनेस लेटर की जिसका नाम है रिप्लाइंग एन ऑर्डर तो सबसे पहले इसमें लेफ्ट साइड में हम अपना स्वयं का एड्रेस का लिखेंगे अपनी स्वयं की फर्म का एड्रेस लिखेंगे जैसे मैंने लिखा है गर्ग बुक डिपो चौड़ा रास्ता जयपुर तो अपन और उसके बाद में डेट लगाते हैं डेट में जैसे अपन ने लिखा है पाँच मार्च दो क्योंकि मैं अधिकतर अपने यहाँ मार्च में एग्जाम होती है इसलिए मैंने मार्च की डेट इसमें डाली है उसके बाद में जिसको अपन ऑर्डर कर रहे हैं जिसको अपन जवाब दे रहे हैं उस फर्म का नाम लिखेंगे जैसे द मैनेजर मॉडर्न बुक डिपो सीकर इस प्रकार से उस का नाम अपन उसमें लिखेंगे और नेक्स्ट जो सब्जेक्ट आ जाएगा उसके बाद में लिखेंगे सब्जेक्ट सब्जेक्ट में हम लिखेंगे योअर रिक्वेस्ट फॉर सेंडिंग आ, सामान उसके बाद में सामान का नाम योर रिक्वेस्ट फॉर सेंडिंग जैसे मान ली रेडीमेड गारमेंट्स का नाम लिया तो योर रिक्वेस्ट फॉर सेंडिंग रेडीमेड गारमेंट योर रिक्वेस्ट फॉर सेंडिंग स्पोर्ट्स मटेरियल तो इस प्रकार से जो भी सामान का नाम है उस सामान का नाम अपन इसमें लिखेंगे उसके बाद सेल्यूटेशन आएगा तो क्योंकि अपन ने मैनेजर संबोधित किया था इसलिए यहाँ लिखेंगे डियर सर या और अगर किसी मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि यदि किसी व्यक्ति को संबोधित करते हैं तो लिखते हैं डियर सर और अगर किसी फर्म को संबोधित करते हैं तो लिखते हैं डियर सर तो इसके बाद में हम लिखेंगे इन रिप्लाई टू योर लेटर नंबर फाइव हंड्रेड ओब्लिक पी डेटेड मार्च फर्स्ट टू क्यों क्योंकि इन रिप्लाई टू योर लेटर नंबर 502 सौ आपके 502 सौ ओब्लिक पी डेट एक मार्च 2021 का जो लेटर था उसके जवाब में यानी हम आप उसको जो है ये पत्र अपन भेज रहे हैं वी आर प्लीज टू सेंड यू द कैटलॉग ऑफ रेडीमेड गारमेंट्स यानी जो कैटलॉग एंड कोटेशन जो भी उसने मंगवाया है उससे जो अब मैंने जो ब्लैंक किया है उसमें, जो कैटलॉग मंगवाया तो कैटलॉग ऑफ रेडीमेड गारमेंट कर दीजिए कोटेशन मंगाएं तो कोटेशन ऑफ रेडीमेड गारमेंट कर दीजिए यहाँ पर थोड़ा सा इतना सा वी आर प्लीज टू सेंड यू हमें आपको भेजते हुए कैटलॉग या कोटेशन भेजते हुए बड़ी प्रसन्नता है द टर्म्स एंड कंडीशन फॉर द होल सेल डील आर एस एच उसके बाद अपन लिख रहे हैं कि जो टर्म्स टर्म्स एंड कंडीशन है होलसेल डीलर्स के लिए वो इस प्रकार से हैं और वो कौन कौन सी हैं ये इसमें अपन बता रहे हैं फॉर एग्जाम्पल फिफ्टीन परसेंट डिस्काउंट फॉर द होल सेल पहली जो टर्म्स एंड कंडीशन वो कहते हैं फिफ्टीन परसेंट डिस्काउंट फॉर द हॉर्सेल डीलर्स के लिए एंड द गुड्स आर द गुड्स आर सेंट बाई ट्रांसपोर्ट दूसरी है कि गुड्स है वो सामान जो भेजा जाएगा वो ट्रांसपोर्ट के माध्यम से भेजा जाएगा और अगली टर्म्स एंड कंडीशन है वो है कि हाफ द एक्सपेंसेस आर बोर्न बाय अस और आधा खर्चा जो है हमारे द्वारा उठाया जाएगा अगली फिर कंडीशन अपन ये भी कह रहे हैं कि पेमेंट इज एक्सेप्टेड थ्रू आरटीजीएस एंड नेफ्ट और पेमेंट जो है वो एक्सेप्ट किया जाएगा थ्रू आरटीजीएस आरटीजीएस के माध्यम से या फिर नेफ्ट के माध्यम से वी आर अवेटिंग योर ऑर्डर ऑर्डर हम आपके ऑर्डर के इंतजार में या वी योर ऑर्डर कुछ भी लिख सकते हैं वी आर अवेटिंग योर ऑर्डर भी लिख सकते हैं वी अवेट की ओर ऑर्डर भी लिख सकते हैं इसके बाद में योवर्स फेथुली थोड़ा सा यहां ध्यान रखें कि योवर्स पे बहुत से स्टूडेंट्स हैं है योवर्स के अपोस्ट्रोफी लगा देते हैं इससे पहले जबकि इसमें किसी कोई अपोस्ट्रोफी का यूज नहीं होता है नीचे आप योवर्स फैथुली के बाद या ट्रूली भी लिख सकते हैं एक्स वाई जेड और सेल्स मैनेजर जो भी सेल्स मैनेजर उसका नाम लिख देंगे इस प्रकार से अपना ये तीसरे प्रकार का जो लेटर है वो यहां समाप्त तो होता है थैंक यू वेरी मच एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल यदि आपने पहले सब्सक्राइब नहीं किया है तो अवश्य इसको सब्सक्राइब करें ताकि आने वाले जो वीडियोज हैं वो आप तक पहुंच सकें थैंक यू वेरी मच थैंक अलॉट